पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में महायोजना 2031 को लेकर निर्यातकों के साथ बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करने और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए एक सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। निर्यातक नियोजन द्वारा महायोजना में सम्मिलित नए प्रस्तावों के बारे में विस्तार से बताया गया। सभी को अवगत कराया गया कि महायोजना 2021 में औद्योगिक क्षेत्र 1327 हेक्टेयर था, जिसे बढ़ाकर 2651 हेक्टेयर किया जाना प्रस्तावित है। निर्यातकों द्वारा सुनियोजित विकास हेतु अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए। औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने के लिए FAR बढ़ाए जाने, जेल को शहर से बाहर स्थानांतरित किए जाने, लाकड़ी फाजलपुर में सहारा सिटी की भूमि को औद्योगिक किए जाने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त शहर के जाम को समाप्त करने के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग की बात प्रमुखता से उठाई गई। काशीपुर रोड पर इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने और पूर्व से विकसित इंडस्ट्रियल एरिया में नाली, सड़क और पानी की निकासी की उचित व्यवस्था रखने के भी बिंदु उठाए गए। हरथला में रेजिडेंशियल को भी इंडस्ट्रियल रखने का सुझाव दिया गया। महायोजना 2031 में कंटेनर डिपो को अन्य जगह शिफ्ट करने के भी सुझाव दिए गए। अंत में EPCH के महासचिव द्वारा लैंड यूज को गाटा बार अंकन कर अलग अलग बोर्ड लगवाने का सुझाव दिया, जिसे भूमि क्रय करने से पहले स्पष्ट किया जा सके। रमजान माह के कारण आपत्ति प्रस्तुत करने का समय बढ़ाने का सुझाव दिया गया और NOC दिलाने की बात भी कही गई। इस पर उपाध्यक्ष द्वारा बिंदुवार सभी प्रकरणों में स्थिति स्पष्ट की गई। विशेषकर मास्टर प्लान 2031 में समय सीमा आपत्ति सुझाव प्रस्तुत करने की 1 सप्ताह का समय बढ़ा दिया गया। जेल को शहर से बाहर शिफ्ट करने के प्रस्ताव को शासन भेजने की बात स्वीकार की गई। इंडस्ट्रियल एरिया के समुचित और सुनियोजित विकास के लिए हर संभव नियम अनुसार सुझाव सम्मिलित करने की भी बात स्वीकार की गई। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जोनल प्लान के लिए 18 मीटर चौड़ी 2 रोड स्वीकृत कर काम प्रारंभ करने की बात कही गई। सभी जन सामान्य से अनुरोध किया गया कि महायोजना 2031 का अवलोकन कर अपनी आपत्ति और सुझाव प्रस्तुत करें तथा भवन बनाने में नक्शा अवश्य स्वीकृत करा लें। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मधुसूदन हुलगी ने कहा कि प्लॉट खरीदने से पूर्व प्राधिकरण कार्यालय से लेआउट स्वीकृत होने की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। पहले जो ड्राफ्ट प्लान बना था उसमें बहुत सारे चीजें संशोधन किए गए, जैसे कि हमने इंडस्ट्रियल एरिया को एक्सटेंड किया है तीनों दिशाओं में, और उसके बाद हमने जो ग्रीन एरिया अंदर था जिसमें बहुत सारे रेजिडेंशियल कॉलोनी बन गई थी उसको रेगुलराइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है बोर्ड के माध्यम से। उसके अतिरिक्त जो नेशनल हाईवे बन रहा है बाईपास, उसके आसपास भी हमने ग्रीन एरिया लोकेट कर दिया है। बांध वाला एरिया जो था उसको भी हमने अच्छे से मार्क करके मैप पे नोटिफाई कर दिया है, और नया कॉन्सेप्ट आया बाजार स्ट्रीट का, तो बाजार स्ट्रीट को हमने अलग अलग जगह पे चिन्हित किया है। उसके अतिरिक्त ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई है मास्टर प्लान को, ताकि एक एक एरिया में स्पेसिफिक रेजिडेंशियल एरिया टाइप्स हो, कमर्शियल एरिया एक जगह पे हो, ताकि हैसल फ्री रहे, लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना रहे, और रेजिडेंशियल कॉलोनी को भी उसी रूप में उसको विकसित किया जा सके। ये नई नई चीज़ें हम किया है। उसके अतिरिक्त आइडेंटिफाई किया जा रहा है जहाँ पे हम डेयरी नगर या ट्रांसपोर्ट नगर को और अच्छे तरीके से किया जाए, तो वो भी आइडेंटिफाई जगह क्या करने की कोशिश की जा रही है, जो आगामी बोर्ड बैठक में उसको भी रखा जाएगा ताकि उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाए ड्राफ्ट में। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।